दोस्तों 2003 में रिलीज हुई कोई मिल गया मूवी ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की करियर की सबसे सुपरहिट मूवी मानी जाती है। इस मूवी में हमें इंसान और एलियन की दोस्ती के बारे में बताया जाता है, जो कि देखने में वाकई लाजवाब लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी? अगर नहीं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के कुछ मेकिंग बिहाइंड द सीन को जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात कोई मिल गया मूवी की हो तो हम जादू को कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसी के वजह से तो हम लोगों ने इस मूवी को देखा था। लेकिन क्या आपको पता है इस जादू को मूवी में दिखाने के लिए इसे कैसे बनाया गया होगा? अगर आप यह सोच रहे होंगे कि फिल्म में दिखाया गया जादू को एनिमेशन इफेक्ट से बनाया गया है, फिर ये कोई रोबोट मशीन है, तो आप गलत है। क्योंकि असल में ये ना ही कोई एनिमेशन इफेक्ट की कमाल है और ना ही ये कोई रोबोट मशीन है, बल्कि इस मूवी में जादू के किरदार को निभाने वाले शख्स का नाम इंद्रवर्धन पुरोहित जी है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ही इस मूवी में एलियन का कॉस्ट्यूम पहनकर जादू का रोल प्ले किया था। और आपको बता दें कि इस एलियन के कॉस्ट्यूम को बनाने में न जाने कितने साल लग गए थे। इस कॉस्ट्यूम को ऑस्ट्रेलिया के एक आर्टिस्ट जेम्स कैलियन के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसके बिहाइंड द सीन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के अगले बिहाइंड द सीन की, जिसमें रोहित यानी ऋतिक रोशन उदास होकर अपने स्कूल से बाहर आ जाता है। और आपको बता दें कि इसके बैकग्राउंड में जिस स्कूल को आप देख रहे हैं, ये सच में एक स्कूल ही है, जिसका नाम संत जोसेफ स्कूल है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा होगा तो आप सभी को इसका सबसे प्यारा सॉन्ग तो याद ही होगा, जो कि सुनने में वाकई लाजवाब लगती है। दोस्तों, ये सॉन्ग इस मूवी का एक मास्टरपीस सॉन्ग है और इसमें हमें बड़ी ही खूबसूरत वादियाँ भी दिखाई देती है, जिसे देखकर हर कोई इस सॉन्ग का दीवाना हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इस सॉन्ग की शूटिंग कहाँ हुई थी? दरअसल मूवी के इस गाने के सीन को द हिल्स ऑफ ड्रम हिलर वैली की लोकेशन पर शूट किया गया था, और यह लोकेशन देखने में काफी खूबसूरत भी लगती है। दोस्तों, इस मूवी में रेखा ने ऋतिक रोशन की मां का रोल किया था। और आपको बता दें कि रेखा को इस फिल्म में ऋतिक के मां का रोल डायरेक्ट नहीं मिला था, क्योंकि इस मूवी को बनाने से पहले डायरेक्टर राकेश रोशन ने सोचा कि हो सकता है रेखा इस रोल के लिए मना कर देगी, इसलिए उन्होंने किसी और बहाने से रेखा को अपने घर बुलाया और फिर इस मूवी के स्क्रिप्ट को सुनाई, जिसके बाद रेखा ने खुद राकेश रोशन से कहा कि मैं इस मूवी में ऋतिक के मां का रोल करना चाहती हूं। दोस्तों, आप लोगों ने इस मूवी के क्लाइमैक्स सीन को तो देखा ही होगा, जिसमें जादू को जबरदस्ती अमेरिका भेजा जाता है, जिसके बाद रोहित जादू को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आपको पता है इस सीन में जो हमें एयरपोर्ट दिखाया गया है, उसका नाम पवन हंस एयरपोर्ट है, जो कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के अगले बिहाइंड द सीन की, जिसमें निशा और रोहित एक खूबसूरत जगह पर बैठकर शादी और प्यार से जुड़ी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है मूवी के इस सीन को कनाडा के पैटो लेक के पास शूट किया गया था। तो अब आप सभी को इस मूवी का ये वाला सीन तो जरूर याद होगा, जिसमें जादू अपने स्पेसशिप से बिछड़ जाता है और फिर जंगल में उसे कई हाथी घेर लेते हैं। इस सीन में हमें दिखाई जाती है कि जादू कई हाथियों को एक साथ देखकर डर जाता है। आप सभी को यह जान के हंसी आएगी कि इसको शूटिंग के समय ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मूवी के इस सीन को शूट करते समय जादू को देखने के बाद उल्टा सभी हाथी डर गया था, के कारण इसे शूट करने में भी काफी दिक्कतें आई थी। लेकिन फिर बाद में इस सीन को परफेक्ट तरीके से शूट किया गया था, जिसके कुछ बिहाइंड द सीन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कोई मिल गया मूवी के कुछ मेकिंग बिहाइंड द सीन्स और इसका कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।